54। गुणनखंड विधि का सवाल हल करते समय सबसे पहला स्टेप हमें ये ध्यान देना है कि दिया गया वर्ग समीकरण सामान्य रूप में होना चाहिए। तो आपने 2.1 पढ़ा है, तो 2.1 में आपको बताया गया है, फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। वर्ग समीकरण का सामान्य रूप ax square प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। कोई भी वर्ग समीकरण सबसे पहले वो सामान्य रूप में होना चाहिए। सामान्य रूप में होने का मतलब है कि उसका तीनों पद, वर्ग समीकरण का तीनों पद यानी पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों पद बाईं तरफ होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में और बराबर के बाद जीरो। तो अगर वो सामान्य रूप में नहीं है तो सबसे पहले हम लोग सामान्य रूप में करेंगे, उसके बाद हम लोग गुणनखंड की तरफ ध्यान देंगे। तो जैसे पहला सवाल आपको जो दिया है वो ऑलरेडी सामान्य रूप में है, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू जीरो। अब गुणनखंड विधि करते समय दूसरी बात हमें ध्यान देना है कि हमें अगर पहले पद के साथ कोई संख्या या गुणांक दिया है तो उसका हम लास्ट में गुणा करेंगे और फिर जो आएगा उसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्योंकि इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले पद के साथ गुणांक के रूप में कुछ नहीं, तो एक और एक से गुणा करेंगे तो 54 ही रहेगा। तो आप गुणनखंड करते समय हम लोग तीसरे पद का गुणनखंड करेंगे। देखो पहला पद x स्क्वायर, दूसरा पद माइनस 15x, तीसरा पद 54। तो हमें 54 का गुणनखंड करना है और 54 का गुणनखंड ऐसा करना है कि 54 के पहले अगर प्लस है, तीसरे पद के पहले जो चिन्ह होगा उस चिन्ह के अनुसार हमें जो दो गुणनखंड होंगे उनको जोड़ना है या घटाना है ये पता चलता है। तो अगर तीसरे पद के पहले प्लस का चिन्ह है तो इसका अर्थ ये है कि 54 का जो दो गुणनखंड होगा वो हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ करके बीच वाला पद लाएंगे, बीच में कितना है 15 है। तो हमें 54 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 15 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 54 कौन कौन से पहाड़े में आता है। तो आप देखोगे कि 27 का अगर हम लोग दो बार गुणा करते हैं तो 54 होगा, या 9 का गुणा 6 में करते तो 54 होगा, या 18 का 3 में गुणा करेंगे तो भी 54 होगा। ठीक है, या 54 एक बार गुणा करेंगे तो 54 होगा। ये सब 54 का गुणनखंड है, लेकिन हमें वही लेना है जिसमें जोड़ने पर 15 आना चाहिए गुणनखंड को। देखो अगर मैं पहला वाला देखूं तो 27 और 2 जोड़ूंगा तो 29 हो जाएगा, जबकि मुझे 15 लाना है, तो इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं होगा। दूसरे वाले में आप देखोगे 9 और 6 को जोड़ने में 15 आ रहा है, मतलब ये होगा। तीसरे में भी 18 और 3 को जोड़ोगे तो वो नहीं होगा, और 54 और 1 को जोड़ोगे भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कौन सा गुणनखंड होगा, 9 और 6, या 6 और 9 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 6 गुणनखंड हो गया और 9 और 6 को जोड़ेंगे तो मध्य वाला पद यानी बीच वाला पद 15 आएगा। अब जोड़ते समय दोनों कंडीशन है, दोनों का चिन्ह समान होगा तो जोड़ते हैं, दोनों प्लस होगा तब भी जोड़ेंगे, दोनों माइनस होगा तब भी जोड़ेंगे। तो चूंकि यहाँ पे माइनस है 15 के साथ, इसलिए ये दोनों का चिन्ह क्या होगा, माइनस। अब लिखते समय पहला पद x स्क्वायर, पहला पद और तीसरा पद सेम होगा, बीच वाले पद की जगह पे हम लोग ये जो दोनों गुणनखंड वो लिखेंगे, साथ में जो चरांक सवाल में दिया होगा वो भी लिखेंगे। तो माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू जीरो, यानी पहला पद एज इट इज सेम रहेगा और तीसरा पद भी सेम होगा। बीच में जो 15x है उसकी जगह पे मैंने जो दो गुणनखंड किया सर, ब्लैक बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा है। हेलो सर, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, दो पद को हिसाब में लेना है। हेलो, हाँ, अब पहले और दूसरे पर लोगे, उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 9। फिर ये जो दो टर्म है उसमें कॉमन क्या होगा, 6, और जो पहले ब्रैकेट में है सीधे तो 9 बार जाएगा। फिर अगला स्टेप जो होगा वो, अब दोनों जो दो ब्रैकेट आपने लिखा है वो कॉमन होगा, एक बार उसको लिखेंगे x माइनस 9, और जो बाहर हमें लिखा है x और माइनस 6 वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, x माइनस 6। सर वीडियो नहीं दिखाई दे रहा, अलग कर दे रहा है।
हेलो, हाँ अभी दिख रहा है लेकिन सर ब्लर है। कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए सर। अब दोनों को अलग अलग कर देना है, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर जो माइनस 9 है उसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो पक्षांतर का नियम है कि जो भी चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। तो x ये माइनस 9 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेम ऐसे ये भी होगा, x बराबर 6 हो जाएगा। तो इस तरह ये जो वर्ग समीकरण है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, इसका दो हल होगा, एक होगा 9 और दूसरा होगा 6। ठीक है, इस तरह का सवाल हमने 8वीं में 9वीं में भी पढ़ा है और सेम ऐसी 10वीं में भी आपको है, कुछ अलग नहीं है। गुणनखंड विधि के लिए आपको गुणनखंड अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद खाली ध्यान देना है कि सामान्य रूप में है और अगर पहले पद के साथ कोई गुणांक है तो लास्ट में गुणा करना है, गुणा करके जो आएगा उसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, दूसरा सवाल है आपको x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो आपको तीसरा पद ये भी सामान्य रूप में है क्योंकि तीनों पद बाईं तरफ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। अब तीसरा पद आपका क्या है, 20 है और हमें 20 का गुणनखंड करना है, लेकिन 20 के पहले जो चिन्ह दिया वो माइनस है, इसका मतलब हमें जो गुणनखंड आएगा उनको मुझे घटाना है और घटाने पर आपको मध्य वाला पद यानी x, तो x का कोई गुणांक नहीं दिया इसका मतलब 1 है। तो हमें 20 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। तो कौन सा होगा, 5 और 4, क्योंकि 5 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 5 और 20 होता है और 5 में 4 घटाएंगे तो जो बीच में 1 है गुणांक वो आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि मुझे घटाना है तो घटाते समय एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो जो मध्य पद का चिन्ह होगा यानी बीच वाले पद का जो चिन्ह होगा वो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा जो गुणनखंड होगा। तो बड़ी संख्या कौन सा है, 5, इसका मतलब 5 प्लस होगा और 4 माइनस। फिर लिखते समय पहला वाला पद और तीसरा पद सेम रहेगा यानी एक्स स्क्वायर, और ये जो बीच में एक एक्स मैंने लिखा है, एक तो गुणनखंड है उसका गुणांक है, तो x की जगह पे मुझे ये दोनों जो गुणनखंड है वो लिखना है आपको, यानी प्लस 5x माइनस 4x और तीसरा पद माइनस 20 है वो एज इट इज रहेगा सेम। फिर से दो पद एक साथ में लेना है, अब पहले दोनों में कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, तो x कॉमन होगा तो x बचेगा और प्लस 5। फिर अगले दोनों में क्या कॉमन होगा, माइनस 4, तो सेम पहले वाला ब्रैकेट ही आएगा आपको क्योंकि 4 का भाग आप 20 में दोगे तो 5 बार जाएगा। अब चूंकि बाहर मैंने माइनस लिया है इसीलिए जो माइनस का चिन्ह है वो बदल के प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर जो दो बार ब्रैकेट है उसे एक बार लिखना है और जो बाहर है उसे दूसरे ब्रैकेट में, x माइनस 4। फिर दोनों अलग अलग कर देना है, x प्लस 5 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। फिर x बराबर ये जो प्लस 5 है ये उस तरफ जाके माइनस 5, चिन्ह बदल जाएगा, और ये जो माइनस 4 है उस तरफ जाके प्लस 4, और इस तरह इसका जो हल होगा वो एक माइनस 4 होगा और दूसरा 4 होगा। स्टेबल रखो, सही लाओ मैं। ठीक है, तो इस तरह जो वर्ग समीकरण है उसका जो दो गुणनखंड होगा वो माइनस 4 और माइनस 5 और 4 होगा। ठीक है, तो एकदम आसान है और बोर्ड के एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन है, सबको आते हैं, आसानी से आप हल कर सकते हो। 3 नंबर का ये सवाल होता है, जो भी स्टेप दिया इस तरह आपको लिख रहे हैं पूरे पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे वाले सवाल में सवाल आपको है 2y² प्लस 27y
प्लस 13 बराबर 0। कमेंट आ रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है। सर जी आपका वीडियो हैंग हो गया है, पिछला स्क्रीन ही दिख रहा है जो पहले आपने बढ़ाया था। हेलो। हाँ सर, दिखाई दे रहे सर अभी? नहीं नहीं दिखाई दे रहा। सतीश सर एक मिनट देखो। सर जी, हाँ सर, सबसे पहले तो बोर्ड जो है ना उस पे दिख नहीं रहा है, जो बहुत ज्यादा नजदीक ला रहे तो ही थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो लेक्चर रिकॉर्ड भी हुआ है लेकिन ये अपलोड नहीं कर पाएंगे, वापस से करना ही पड़ेगा बाद में अलग से। ठीक है सर, चलेगा, अभी तो कर लेता हूं। मत यूज कीजिए नेक्स्ट टाइम भी, क्योंकि बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं देता है, या तो आपके कैमरे क्वालिटी का प्रॉब्लम है या तो कुछ इश्यू है। अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, और दिख भी रहा है तो ब्लर दिख रहा है, बच्चों के बार बार चैट आ रहे हैं। हाँ ठीक है, आप पेपर पेन पे करेंगे तो भी चलेगा सर। चलेगा चलेगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं करता हूँ। अभी अभी क्लीन आ रहा है सर? अभी बोर्ड ही नहीं दिख रहा, आपका कैमरा नहीं चल रहा शायद, कैमरा ऑफ करके ऑन कीजिए। कैमरा से नहीं चल रहा है क्या? फिर से चालू कर दीजिए। पीछे से कुछ आप जूम से बाहर चले जाइए, फिर वापस आइए। जूम y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले पद के साथ आपको गुणांक के रूप में 2 है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर पहले पद के साथ कोई गुणांक दिया है तो उसका हम लोग सबसे पहले लास्ट में गुणा करेंगे। अर्थात यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ये 2 का लास्ट यानी 13 में आप गुणा करोगे, तो 13 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ जहाँ 13 आपको लिखा है उसकी जगह पे हम लोग 26 लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड करने के लिए है, वहां पर लिखते समय हम लोग 13 लिखेंगे, जो पहले पद के साथ गुणांक है उसका हम लोग लास्ट वाले पद में गुणा करके जो भी आएगा उसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अब इसका मतलब आपको 26 आ रहा, हमें 26 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर, क्योंकि 13 के पहले प्लस है इसका मतलब मुझे जोड़ना है, और जोड़ने पर कौन सा लाना है, मध्य वाला पद यानी 27 है। तो इसका मतलब जो 26 का गुणनखंड होगा 26 और 1। अब चूंकि जोड़कर मुझे 27 लाना और 27 का भी चिन्ह प्लस है, इसका मतलब दोनों का चिन्ह क्या होगा, प्लस। लेकिन लिखते समय हमें पहला और तीसरा पद सेम लिखना है, कोई बदलाव नहीं। 2y² + 26y + 1y + 13 = 0। अगेन ये दो पद एक साथ में, ये दो पद एक साथ। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 2y, क्योंकि 2 पहले पद में भी है और दूसरे में भी 2 का भाग 26 में जाएगा, y दोनों में, तो 2y कॉमन कर लिए तो कितना बचेगा, सिर्फ y बचेगा, प्लस आगे प्लस का चिन्ह तो प्लस, फिर 2 का भाग 26 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार, ये y बाहर हो जाएगा। फिर आगे आपको प्लस का चिन्ह तो प्लस, फिर अगले दो पद में आप देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ नहीं कॉमन होगा वहां 1 लिखेंगे, और सेम पहले जो ब्रैकेट में है एज इट इज वही आएगा आपको, बराबर 0। फिर जो 2 ब्रैकेट है उसको एक बार लिख रहे हैं, y प्लस 13, और जो बाहर है 2y + 1 उसको दूसरे ब्रैकेट में, बराबर 0। फिर दोनों को अलग अलग कर देना है, y प्लस 13 बराबर 0 या 2y + 1 बराबर 0। फिर y बराबर ये जो प्लस 13 है उस तरफ जाके माइनस 13, सेम ये भी 2y बराबर -1 और फिर y बराबर -1। अब चूंकि यहाँ 2 गुणे में तो ये भाग में हो जाएगा यानी 1/2, तो -1/2। तो इस तरह इस वर्ग समीकरण का जो 2 गुणनखंड होगा वो -13 और -1/2। ठीक है, तो इस प्रकार
पहले दूसरे और तीसरे सवाल में क्या फर्क था? पहले दूसरे सवाल में आपको पहले पद के साथ कोई भी गुणांक नहीं था, जबकि तीसरे पद में आपको पहले पद के साथ गुणांक के रूप में दो है। तो जब पहले पद के साथ गुणांक के रूप में कोई भी संख्या लिखी होगी तो उसे हम लोग तीसरे पद में गुणा करेंगे और जो आएगा उसका गुणनखंड निकालेंगे। सिर्फ यही फर्क है, इस तरह आपको ध्यान देना है। तो आपका वीडियो हैंग हुआ सर, वीडियो हैंग हो गया सर। हेलो, वीडियो हैंग हो गया आपका। हेलो, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा वाला सवाल सर, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है सर। चौथे सवाल की तरफ देखो, आपको चौथा सवाल क्या लिखा है? 5m² बराबर सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? प्रकाश प्रजापति सर, प्रकाश प्रजापति सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको हाँ सर, आवाज आ रही है। आपका वीडियो हैंग हुआ है सर। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है सर, हैंग हो गया है सर। हम मोबाइल में सर, फ्रंट में पूरा क्लीन दिखाई दे रहा है। नहीं, आपको दिख रहा है लेकिन अभी यहाँ स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है अभी। बच्चे देखिए मैसेज कर रहे हैं बार बार चैट में। ठीक है, आप करिए एक मिनट। हाँ, एक मिनट जरा बच्चों से पूछते हैं। ओके, अभी आपका वीडियो आया जो आपने लिखा है ना, अभी आया आपका। हाँ, एक मिनट। पूजा पांडा, वीडियो दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है भूमिका राठौड़, वीडियो दिख रहा है? नहीं, बस फोटो दिख रहा है। बस फोटो दिख रहा है सर। ठीक है सर, मैं मोबाइल की स्क्रीन पे ही करता हूँ, उसमें हो जाएगा। हाँ, अभी दिख रहा है वीडियो, बस नहीं पूजा। प्रकाश सर, प्रकाश प्रजापति सर, आपकी ना तो आवाज आ रही है ना तो ये स्क्रीन शेयर अच्छे से हुआ है।
स्क्रीन शेयर कीजिए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आपका माइक चालू कीजिए सर। माइक बंद है आपका, माइक बंद है, माइक बंद है आपका। माइक चालू कर लीजिए सर। हेलो, माइक बंद था, अभी आवाज आई सर आपकी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है अभी आपकी। हेलो, आवाज आ रही है आपकी अभी, कंटिन्यू कीजिए। हेलो हेलो, असेंबली स्क्वायर बाईस और पंद्रह को आपको बाई तरफ लेना है तो माइनस बाईस। हेलो, हाँ सर, स्टार्ट किया मैंने। क्लियर सर, आपका वापस से वीडियो हैंग हो गया है। अभी दिखाई दे रहा है सर वीडियो। हाँ कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। बच्चों, टेक्निकल इश्यू होने की वजह से सर का जो वीडियो है बार बार चला जा रहा है, ठीक है। तो अभी आप सभी लोग क्या कीजिए कि 9:50 पे अगले लेक्चर में कनेक्ट होना आपने। सभी लोग 9:50 पे अगले लेक्चर में कनेक्ट हो जाओ, सर का लेक्चर वापस से अरेंज करेंगे दूसरी बार। टेक्निकल इश्यू होने की वजह से सर लेफ्ट हो गए हैं, वीडियो हैंग हो रहा है बार बार, आवाज भी नहीं आ रही है, ब्लर भी दिखाई दे रहा है। तो सभी बच्चे आप लोग अभी 9:50 को रिकनेक्ट हो जाओ, नेक्स्ट लेक्चर इंग्लिश है शायद, तीसरा लेक्चर 9:50 को चालू होगा, तो आप लोग 9:50 को फिर से कनेक्ट हो जाना नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ये लेक्चर हम लोग वापस से फिर से अरेंज करेंगे, ठीक है, आप लोग के लिए फिर से अरेंज किया जाएगा ये लेक्चर।
हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। चालू करो। पीपीटी है क्या सर? हाँ सर पीपीटी है। शेयर करेंगे? यस सर। दिख रही है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। एक मिनट रिकॉर्डिंग चालू कर दो। ऊपर रिकॉर्ड का सिंबल दिखेगा तो आप चालू करोगे सर। ओके सर। शुरू कीजिए सर। ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द इंग्लिश सब्जेक्ट एंड इन दिस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू लर्न our chapter number 1.5 and the lesson is his first flight. This lesson is written by Lime O. Flaherty. Lime O. Flaherty is the writer of his lesson. Okay, so his first flight. आवाज नहीं आ रहा है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ये आप इसका पिक्चर देखिए। यू कैन सी द उसकी पहली उड़ान। मतलब किसके पहली उड़ान? उस सीगल की। मींस द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द सीगल। ओके सो हियर इज द फर्स्ट पैसेज। द यंग सीगल वाज attempt to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way. Students, below the passage there are meaning of the आपकी आवाज है ना बीच बीच में चली जा रही है सर। आवाज चली जा रही है क्या सर? नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। हेलो सर अभी आ रही क्या आवाज? अभी आ रही है सर। कंटिन्यू कीजिए। मिस This young seagull, this small seagull is alone on his ledge. Ledge means what, bachcho? Ledge, yani ki ridge of the rocks. Ledge of the rocks. Hum log usko niche chattan, jo khadi chattan kehte hum usko kagar bhi bol sakte hain. To समुद्र में जो चट्टान है, खड़ी चट्टान है, उसको लीज कहा गया है. और उस लीज पर ये समुद्री पक्षी अकेला है. His two brothers and his sister had already flown away. इसे जो दो भाई है और एक बहन है, had already flown away the day before. एक दिन पहले ही वो लोग उड़ के चले गए हैं वहां से, उस लीज से, उस चट्टान से, उस टापू से वो उड़ करके चले गए हैं. He had been afraid. लेकिन this young seagull had been afraid. वो डर गया था. काके लिए? He had been afraid to fly with them. Means flying with his sister and brother and sister. अपने भाई बहन के साथ उड़ने के लिए वो बहुत डर गया था. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink, किसी तरीके से gathering or collecting the courage, gathering the courage, तो साहस जुटाते हुए किसी तरीके से वो भागने की कोशिश किया उनके साथ, या उनके साथ रन करने की कोशिश किया. और इसके लिए उसने क्या किया? A little run forward, थोड़ा सा उसने आगे दौड़ने की कोशिश किया. कहां पर?
टू द ब्रिंक ऑफ द लीज ब्रिंक ब्रिंक सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई दे रहा है नीचे में जो आपको डिफिकल्ट वर्ड दिए है वहां पर ड्रिंक लिखा है बच्चों वो ब्रिंक है बी आर आई एन के ब्रिंक यानी कि किनारा उसको तट या फिर कगार बोलते हैं इंग्लिश में हम उसको कहेंगे एज तो एज ऑफ द लीज ब्रिंक मतलब क्या है एज ऑफ द लीज उस लीज का उस कगार का उस खे चट्टान का जो किनारा है तट है उस पर से उसने थोड़ा सा आगे दौड़ करके भागने की या उसके साथ अपने भाई बहनों के साथ दौड़ लगाने की कोशिश की वहां से उड़ने की कोशिश की किसी तरीके से हिम्मत जुटा करके एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अ प्रेड सो व्हेनेवर ही अटेम्प्टिंग जब वो प्रयास करता है तो दिस यंग सीगर बिकेम अ प्रेड वो डर जाता था वो डर गया था द ग्रेट एक्सपेंस एक्सपेंस यानी कि बच्चों विस्तार एक्सपेंस यानी कि विस्तार ये जो बड़ा सा विस्तार है एक्सपेंशन मतलब विस्तीर्ण फैला हुआ समुद्र ये विस्तार किसका है समुद्र का है आपको पता है कि जहां तक हमारी नजर पहुंचती नहीं उतना ये समुद्र का एक्सपेंशन होता है उसका विस्तार होता है द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनिथ नीचे में मतलब उसके वो जहां पर था उसके नीचे में चारों ओर स्ट्रेच मतलब फैला हुआ विस्तीर्ण फैला हुआ क्या था समुंदर था वाटर ही वाटर एवरीवेयर ऑल अराउंड हिम उसके चारों ओर पानी ही पानी था एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे और भाई बहन उसके उड़कर गए एंड इट वाज द वे विच इज वेरी लॉन्ग ये जो रास्ता है बड़ा लंबा था लंबा दिख रहा था चारों ओर नजर जा रही थी पानी पानी उसको दिख रहा था आगे में क्या होता है देखते हैं सो माइलों तक फैला हुआ वो लंबा रहा गोइंग टुवर्ड्स हिज ब्रदर एंड सिस्टर इट इज अ लॉन्ग उसके जो पंख है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो नीचे गिर जाएगा ही विल फेल डाउन टू द ग्राउंड वाटर इन टू द वाटर डीप इन टू द वाटर गहरे पानी में वो गिर जाएगा क्योंकि नीचे में विस्तीर्ण फैला हुआ समुद्र था तो ये उसको डर बना था सो ही बेंट हिज हेड इसलिए उसने क्या किया अपना सर झुका दिया एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लीज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट तो वहां फिर से वो अपने सिर को नीचे में झुका करके रैन अवे बैक टू द लिटिल होल मींस ही इज नाउ गॉन टू द बैक टू द His little hole, छोटा सा जो उसका जो होल था यानी कि वो होल ही उसका घर था उस लिच पर उस टापू पर उस खड़ी चट्टान पर वहां पर वो जाग गया वहां पर क्या किया where he slept night मतलब रात भर वो वहां पर जाकर के सो गया Even when each of his brothers and his little sister इतना होने के बाद भी उसके जो भाई बहन थे दोनों छोटे छोटे भाई बहन थे whose wings were far shorter than his own मतलब इस यंग सीगल के विंग जो है जितने शॉर्ट है उसे भी शॉर्टर मतलब छोटे छोटे विंग थे उसके भाई बहन के इवन दो फिर भी दे रैन टू द ब्रिंक वो किनारे की ओर दौड़ पड़े फ्लैप देयर विंग्स अपने पंख को फड़फड़ाए फ्लैप मतलब पंखों को फड़फड़ाना उड़ाने के लिए एंड फ्लू अवे एंड मिस हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लू अवे दूर निकल करके उड़ करके चले गए ही फेल टू मस्टर अप करेज He failed to muster up courage. Muster up courage means what? बच्चों muster up courage मतलब क्या है? Gathering a courage. Courage मतलब साहस, हिम्मत जुटाने की उसने जो कोशिश की, तो उसमें वो क्या हुआ? Fail हुआ, वो असफल हुआ. He failed to muster up courage means this young seagull is ultimately failed to muster up courage, gather up courage to take that plunge. To take that plunge means to take that jump, to take that dive. Plunge मतलब कि डुबकी लगाना गोता लगाना या उड़ान भरना सो टुक दैट प्लंक विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट तो उनके साथ गोता लगाना उड़कर के भागे में उसको कैसे लगा डिस्परेट मतलब क्या होपलेस लगा कि ये सब अभी होने वाला नहीं है सो आई कांट फ्लाई विथ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उनके साथ उनके जैसे मैं नहीं उड़ सकता हूँ ऐसा उसको लगा अपने मन में सोच लिया हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड सो उसके माँ बाप भी उसके नजदीक में आ गए एंड कॉलिंग टू हिम श्रीली वो सब लोग उसको
बुला रहे हैं श्रील मिस व्हाट बच्चों इन अ लाउड हार्ड वॉइस, उसको कर्कश आवाज में या हम लोग उसको बोल सकते हैं कि इन अ लाउड वॉइस और हार्श वॉइस, चिल्ला करके तीखी आवाज में हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो चिल्ला करके भाई कि आओ, कम आउट फ्रॉम द लीच, उस लीच से आप बाहर निकलो, उड़ो, उड़ान भरो, फ्लाई अवे विद योर ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई बहन के साथ आओ। नॉट ओनली दे आर कॉलिंग हिम श्रीली बट ऑल्सो अपब्रेडिंग हिम, उसको वो अपब्रेडिंग करना कर रहे हैं। मिस व्हाट दे आर डूइंग स्कॉल्डिंग, स्कोल्ड लगा, स्कोल्डिंग मिस व्हाट बच्चों डांट फटकर लगाना, माँ बाप उसको डांट फटकर लगा रहे हैं कि भाई वहां से तुम निकलो, उस सेल्फ से तुम बाहर निकलो। अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग व्हाट एवर थ्रेटनिंग मतलब कि उसको धमकी भी दे रहे हैं। सो थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व मतलब भूखा रखना, तो भूखे रखने की उसको धमकी भी दे रहे हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लीच अनलेस ही फ्लू अवे, मींस अनलेस एंड अंटिल जबकि वो फ्लू अवे मींस उड़ के जाता नहीं है अपने भाइयों के साथ, तब तक उसको भूखा रहना पड़ेगा। सो दिस टाइप ऑफ थ्रेटन दे आर मींस पेरेंट्स आर गिविंग टू दिस यंग सीगल, इस यंग सीगल को उसके माँ बाप भी धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें हम भूखा रखेंगे अगर तुम वहां से उस टापू से उड़ोगे नहीं तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुडंट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए, जीवन को बचाने के लिए वो वहां से उड़ा नहीं, क्योंकि उसको लगा कि मैं उड़ूंगा तो क्या हो जाऊंगा, आई विल फेल डाउन डीप इन टू द वाटर, मैं इस गहरे पानी में नीचे गिर जाऊंगा, ऐसा उसको लगा। आगे देखते हैं, सो दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये सब जो हुआ है इसको अभी करीबन 24 घंटा हो गए हैं, मतलब कि एक दिन हो गया है ये सारी घटना को। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से अभी तक उसके पास कोई आया नहीं है, ना नो फादर्स एंड मदर्स आल्सो ब्रदर एंड सिस्टर हैड कम देयर नियर टू हिम, उसके पास कोई भी आया नहीं है। द डे बिफोर, अब एक दिन पहले का वो सब नजारा था, द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, तो उसको वो दिन बहुत लंबा लग रहा था। He had watched his parents playing about with his brothers and sisters. अभी वो यहाँ से देख रहा है कि उसके जो भाई बहन है, they are flying with miss parents are flying with brothers and sisters. उसके माँ बाप उसके भाई बहन के साथ अच्छे से उड़ रहे हैं, और इतना ही नहीं तो parents are perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves. तो parents क्या कर रहे हैं, teaching How to skim? Skim means what? बच्चों यहाँ पर दिया है move lightly just above a surface, मतलब जो पानी का जो सरफेस होता है, ऊपरी परत होती है पानी की, समुद्र के पानी की, वो ऊपरी परत को बिल्कुल हल्के से पैर को छू करके कैसे मूव करना है, उसको स्किम बोलते हैं। तो स्कीमिंग करने के लिए उसको क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे उसकी, मतलब उसको शिक्षा दे रहे थे, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव, लहरों के ऊपर कैसे गोता लगाना है वो पढ़ रहे थे, हाउ टू डाइव फॉर फिश, मतलब कि जंप लगा करके, डाइव लगा करके किस प्रकार मछलियों को पकड़ा जाता है। सो कुल मिला करके दिस यंग सीगल्स पेरेंट्स व्हाट आर डूइंग, दे आर परफेक्टिंग टू बोथ ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके दोनों भाई बहनों को वो सिखा रहे थे। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, इनफैक्ट सच में अगर देखा जाएगा तो उसने अपने भाई को देखा भी था, ओल्डर मतलब जो उससे बड़ा भाई जो था, उसने क्या किया था, हिज ओल्ड ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, फर्स्ट हेरिंग मतलब हेरिंग मींस हिल्सा मछली, मछली का नाम है ये, खास करके बंगाल में पाई जाती है ये वाला मछली, हिल्सा मछली। सो हिज ओल्डर ब्रदर, ओल्डर मतलब कि बड़ा भाई, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर ईट, डेवर मींस ईटिंग हंग्रीली, बहुत ज्यादा भूख लगने के वजह से उसने मछली को पकड़ा ही और किस तरीके से वो खा रहा था उसको, ये उसने देखा स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और वो भी उस रॉक पे एक चट्टान पर बैठ करके आराम मस्त उसका मछली का खाते हुए मजा ले रहा था। सो व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्या कर, और ऐसा करते वक्त उसके जो पेरेंट्स थे उसके बड़े भाई के क्या कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, रेजिंग अ प्राउड क्या कर, गर्व महसूस कर रहे थे कि क्या कल, क्या कल मिस व्हाट, कैकल मिस अटर अ श्रीली क्राय, मतलब कि एक बड़ी आवाज को भी द कैकल ऑफ व्हाट, डिलाइटफुल कैकल, वी कैन से अटरिंग अ श्रील क्राय बट डिलाइटफुली, मतलब एक खुशी की जो आवाज है वो निकाल करके तारीफ कर रहे थे अपने बच्चे की कि किस तरीके से उसने मछली को पकड़ करके अपने भक्त को वो खा रहा है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, और फिर उस दूसरी मॉर्निंग को पूरी फैमिली, this his brother and sister and both mother and father also
बक्ट अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, एक बड़े से पठार पर चले गए, मैदान पर चले गए, मिड वे डाउन अपोजिट स्लीप, उस स्लीप के मीन्स हाई स्टीप फेस ऑफ रॉक, वो जहां पर खड़ा था उस चट्टान के पिछली साइड पर वो लोग जो मैदान था प्लेटू था उसके बिल्कुल बीचों बीच चले गए थे. एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टॉन्टिंग हिम, उसको वो क्या कर रहे, टॉन्टिंग मतलब उसको चिढ़ा रहे हैं, उसे मजा ले रहे हैं. फॉर हिज कॉवर्डाइस, कॉवर्डाइस मीन्स उसकी जो कायरता है, कॉवर्डाइस मीन्स व्हाट, लैक ऑफ करेज ऑफ फेस डेंजर. देखो बच्चों इसमें नीचे में दिया गया है उसका मीनिंग, लैक ऑफ करेज ऑफ फेसिंग डेंजर, मतलब कोई भी खतरा मोल लेने में हम लोग अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं तो उसको कॉवर्डाइज कहा जाता है, उसको हम लोग कायरता कहते हैं. तो उसके कायरता पर उसको दे बोथ ब्रदर एंड सिस्टर एंड साथ साथ उसके पेरेंट्स भी उसको चिढ़ा रहे थे. अब आगे में होता है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग स्काई ब्लेजिंग ऑन द लीच दैट फेस द साउथ. तो दक्षिण दिशा से जो सूरज है वो जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग. व्हाट्स मीन बाय ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मतलब उसकी जो प्रकाश है उसका तप्त गर्म प्रकाश है, वो प्रकाश है उसको उसके लीच को और क्या कर रहा था, हॉट कर रहा था, गर्म कर रहा था. मतलब सन असेंडिंग, सन असेंड मतलब ऊपर चढ़ना, कहां पर, स्काई में मतलब आसमान में सूरज ऊपर ऊपर जा रहा था. जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता है तो गर्मी भी बढ़ जाता है, ये भी हम लोग जानते ही है. तो ये सब हो रहा था उसमें, he felt the heat, उसको क्या लग रहा था, बहुत गर्म लग रहा था, मतलब कि वो हीट महसूस कर रहा था. दिस यंग सीगल एक्सप्रेसिंग और फीलिंग हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली नाइट से, पिछली रात से उसने कुछ भी खाया नहीं था. ही हैड नॉट ईटन फ्रॉम प्रीवियस नाइटफॉल, पिछली जो रात गई बीती है वहां से तब से उसने कुछ भी खाया नहीं था. सो दैट इज व्हाई ही स्टेप्ड स्लोली, इसलिए थोड़ा सा स्टेप्ड मतलब वो थोड़ा सा पैर अपने कदम जो है वो आगे निकालता है. स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लीच, मतलब कि उस टापू के उस खड़ी चट्टान के किनारे की ओर वो थोड़ा सा चलने की कोशिश करता है. एंड स्टैंडिंग ऑन द लेग विद द अदर लेग हिडन, और वो क्या वहां पर जाने के बाद में ये जो यंग सीगल है वो क्या करता है, स्टैंडिंग ऑन द वन लेग, वहां पर एक लेग पर खड़ा हो जाता है, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरा जो पैर है वो क्या करता है, अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, मतलब अपने पंखों में दूसरा पैर छिपा देता है और एक पैर पर खड़ा रह करके क्या करता है, क्लोज्ड वन आई, एक आंख को बंद कर देता है. देन द अदर आई एंड प्रिटेंडेड टू बी फेलिंग एस्लीप, मतलब एस्लीप मतलब जैसे गहरी नींद में वो सो रहा है, ऐसे वो प्रिटेंड मतलब कि बहाना बनाता है, प्रिटेंडिंग मतलब कि वो बहाना बना रहा है, मानो वो सो गया है ऐसा बहाना बना रहा है अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए, अपने भाई बहन को दिखाने के लिए, ताकि वो वहां पर सोते सोते गिर जाएगा ऐसा लगे और पेरेंट्स उसके पास आकर के उसको लेकर जाए ऐसा उसको लग रहा है. तो इस प्रकार वो दिस यंग सीगल इज प्रिटेंडिंग. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, नोटिस मतलब ध्यान देना. तो अभी भी yet parents and brother and sister not giving any notice, not giving any attention, किसी भी प्रकार का ध्यान उसकी ओर नहीं दे रहे. He saw his two brothers, तो उसने अपने दोनों भाई बहन को उसने देखा. He saw his two brothers and his sister laying on the plateau, उस plateau पर अपने दोनों भाई बहन को उसने देखा. Laying on the plateau dozing with, dozing means napping, मतलब कि वो नैप मतलब क्या है, हल्की सी नींद लेना, विकान से हम उसको कहते हैं कि हल्की सी जैसे नींद लेते हैं वैसा वो लोग कर रहे हैं वहां पर. फैमिली गई थी वहां पर एक रॉक्स के बीच में. प्लेटू लॉजिंग विद देयर लीड हेड संक इनटू देयर नेक्स, और उन्होंने क्या किया है, अपना जो हेड है संक इनटू देयर नेक्स, मतलब अपने गर्दन में अपने हेड को उन्होंने छिपा दिया है और वो मानो ऐसे एक हल्की सी नींद ले रहे हैं, मतलब कि दे आर रिलैक्सिंग, आराम कर रहे हैं उसके पेरेंट्स और उसका भाई बहन. हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फादर, प्रीनिंग मीन्स व्हाट, बच्चों नीचे में देखिए मीनिंग दिया है, मेकिंग एन एफर्ट टू क्लीन फीदर्स. क्लीनिंग मीन्स अपने फीदर्स को क्या करें, विद द बीक, चोच के सहारे से, चोच के सहारे से अपने पंखों को क्या करना, साफ करने की कोशिश कर रहे. हिज फादर व्हाट द पेरेंट्स आर डूइंग, among parents father is doing what, father was preening the feather on his white beak, apni jo
व्हाइट सफेद वाला जो चोच है उससे पंख वो साफ कर रहे हैं. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल केवल ओनली एंड ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग टू द यंग सीगल. इस जो छोटा सा ये जो समुद्री चिड़िया है इसकी ओर केवल उसकी माँ ही ध्यान दे रही थी, अदरवाइज कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प. हाई हम्प, हम्प मिस वॉट, जो माटी मिट्टी का जो टीला होता है उसको हम लोग हम्प कह सकते हैं. यहाँ पर दिया देखे अ राउंड रेज्ड मास ऑन लैंड, जमीन पर ऊंचा ऊपर उठ करके आया हुआ, उभर के आया हुआ जो मिट्टी का टीला होता है उसको हम कहते हैं. तो उस पर जाकर के ये बैठ जाती है, खड़ी हो जाती है उसकी माँ. She was standing on a little high hump on the play too. उस मैदान के बीचों बीच वाला टीले पर बैठ जाती है ताकि उस बच्चे को, मतलब माँ तो बहुत चिंतित होती है अपने बच्चों के प्रति, इसलिए वो वहां जाकर के बैठ जाती है ताकि उसका ध्यान चला जाए उसकी ओर. So a little high hump on the play too. She was standing and her white breast thrust forward. और ऐसा करते वक्त अपनी जो सफेद जो ब्रिस्ट है मतलब कि सीना है उसको क्या कर देती है, थ्रस्ट फॉरवर्ड, मतलब वो आगे निकाल करके वहां पर पैर पर खड़े हो जाती है. नाउ शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश. टोर, ये टियर का पास्ट टेंस है बच्चों, टी ई ए आर ई, टियर का पास्ट टेंस है ये टोर. सो उसके पास जो मछली का पीस होता है, टुकड़ा होता है, उसको वो फाड़ती है. She tore at a piece of fish that lay at her feet. अब उसके पैर के पास से जो मछली का टुकड़ा होता है उसको वो फाड़ती है ताकि बच्चा देखे और उसी बहाने भूख के मारे वो चला आए उस ओर, ऐसे लगता है. Then how he then scraped each side of her beak on the rock. और बाद में वो अपनी जो बीक है मतलब चोच है उसको स्क्रैप, मतलब क्या है, घिसना. स्क्रैप मतलब घिसना, नीचे में दिया है रब्ड. रब्ड मतलब कि घिसना, अपनी चोच को घिसती है. ऑन द रॉक मतलब उस चट्टा पर अपनी चोच को वो घिसती है. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. ये जो नजारा है, ये जो साइट है, ये जो दृश्य है उसको फिर से पागल बना देता है. हंगरी, बिकॉज ऑफ द हंगरी ने, भूखे मारे वो पागल हो जाता है ये खाना देख करके. हाउ ही लव टू टियर फूड, हाउ ही लव टू टियर फूड दैट वे. स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. वेट इट मीन्स शार्पन इट. तो किस तरीके से इस मछली के पीस को खाना और फिर अपने बीक को वेट मतलब क्या, शार्पन करना, उसको नोकीला बनाना, ये सब इसमें उसको बहुत मजा आता है. तो ये सब देख करके फिर से वो क्या कर रहा है, दिस इज द साइट विच इज सीन बाय दिस यंग सीगल एंड दिस मेड हिम मोर मैडन. फिर से वो क्या हो गया, हो जाता है भूख के मारे पागल हो जाता है. आगे देखते हैं. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. गा 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 मतलब क्या है, ये उनकी भाषा में वो उसको बुला रहे हैं. ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग, मिस मदर इज नाउ हियर कॉलिंग हिम. मदर उसको बुला रही है फॉर सम फूड. उसके पास जो फूड है, उसको ये बोल रहे हैं. शी स्क्रीम्ड बैक ड्राइजुअली. ड्राइजुअली मीन व्हाट, इन अ मैनर मतलब उसकी ओर स्क्रीम, स्क्रीम मतलब वो हेलो but he kept calling.
miss expressing sorrow. Kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. एक ही मिनट बाद उसने बहुत ही joyful scream मतलब एक खुशी से वो चिल्ला उठा. His टुकड़ा उसने क्या किया था उठाया था अपनी चोंच में and she was flying across पीस के साथ उस मछली के टुकड़े के साथ उस बच्चे की ओर मतलब कि यंग सीगल की ओर वो जा रही थी मानो झुकना ये भी आगे झुका. ही लीन आउट ईगरली रुकी उसको खाने को मिलेगा. कैपिंग द रॉक कैपिंग मतलब अपने ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस जैसे जैसे उड़ रही थी तो अपने मदर की ओर वो जाने की कोशिश कर रहा था. बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम जैसे वो बिल्कुल उसके पीछे में बिल्कुल नजदीक में आई पिछली साइड में शी हॉल्टेड मींस शी स्टॉप्ड लेकिन वो मछली का टुकड़ा लेकर के वहीं पर वो रुक गई वो इसके पास आई नहीं. हर विंग्स मोशनलेस हर विंग्स मोशनलेस उसके जो विंग्स थे उसके मदर के वो वहां पर स्तब्ध हो गए मोशनलेस हो गए. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक तो वो जो पीस था मछली का जो ला रही थी मदर ऑलमोस्ट द रीच ऑफ हिज बीक मतलब उसके चोंच में बिल्कुल आते आते रह गया और मदर रुक गई. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज और एक समय के लिए कुछ क्षण के लिए वो वेट करने लगा कि क्या हो गया ये सब. वॉन्डिंग सरप्राइजिंग वो उसको आश्चर्य लगा कि किस क्यों मेरी मदर रुक गई है. Why she didn't come nearer? मेरे पास वो क्यों नहीं आ रही है. And then, maddened by hunger, और भूखे मारे फिर से वो पागल हो गया. He dived at the fish, और जोर का झपट्टा लगाया डुबकी लगाई गोता लगाया towards her mother. And what was there? There was the fish at the leg of the mother. उस मदर के उस लेग के पास क्यारा मछली का टुकड़ा था वहां पर उसे डाइव लगाया हिम्मत जुटा करके गैदरिंग का लाउड स्क्रीम बड़े लाउड स्क्रीम के साथ चिल्लाते हुए स्क्रीम मतलब चिल्लाते हुए बड़ी आवाज निकालते हुए विद अ लाउड स्क्रीम ही पेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स बड़ी जोर से आवाज निकालते हुए वो वहां से आउटवर्ड्स मीन डाउनवर्ड मतलब वहां बाहर निकला और निचली ओर वो उस स्पेस की ओर जाने लगा जहां पर वो मदर वो टुकड़ा मछली का लेकर के आई थी. बट Then a monstrous, monstrous, monstrous means what? Shocking, terrible, surprising, बहुत ही भयान सा टेर आतंक या हम कह सकते हैं उसको डर बहुत डर उसको seized him मतलब उसको पकड़ा मतलब कि उसको बहुत डर लगा. Means this young seagull was felt he's a hurt stood still और उसका जो दिल है मानो शांत हो गया स्तब्ध हो गया कि किस तरीके से अभी मैं बचूंगा नहीं. Now I will not live now I will not survive because of the dive deep into the water या पर इस गहरे पानी में मैं अगर अभी उड़ान मारू तो अभी मैं बचने वाला नहीं हूँ. ऐसा उसको कुछ क्षण के लिए लगा he could hear nothing उसको कुछ भी सुन नहीं जाता. It only lasted a minute. लेकिन ये सब कुछ मिनट के लिए कुछ क्षण के लिए हुआ. The next moment, लेकिन दूसरे क्षण क्या हुआ? The next is a breast feathers. Breast मतलब सीना. उसके सीने की ओर उसके पेट उसकी पेट की ओर और उसके पंखों की ओर हवा उसको काट रही है. He could feel the tips of his wings cutting through the air और उसने देखा कि अपने जो पंख है किस तरीके से हवा उसको काटते हुए अपने पंखों के बल पर वो उड़ान भरते हुए इजीली वो जा पा रहा है इसका अनुभव वो कर रहा था. He was not feeling headlong now headlong मतलब सर के बल उसको गिरने का जो डर था लेकिन this time he was not
फेलिंग मीन्स वो नीचे नहीं गिर रहा है. ये बात सोरिंग, सोरिंग मीन्स व्हाट स्टूडेंट, सोर मतलब की ऊंची उड़ान भरना. फ्लाइंग हाई टू द स्काई, सोर मीन्स व्हाट, फ्लाइंग हाई इनटू द स्काई, आसमान में ऊंची उड़ान भरना. तो की बात सोरिंग ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली. दिस यंग सीगल इज अ नाउ मीन्स वेयर आफ्टर गैदरिंग करेज, हिम्मत जुटाने के बाद, मतलब हिम्मत जुटाना जरूरी है, ये सीख हमें यहाँ पर मिलती है. सो ही वाज सोरिंग ग्रेजुअली, ग्रेजुअली लेकिन सहजता पूर्वक उड़ान भरने लगा है. ही वाज अभी वो डरा नहीं है, ही वाज नो परेड, अभी वो नहीं डर रहा है, बट ही जस्ट फेल्ट अ वाइट डिजी, थोड़ा सा उसको डिजनेस महसूस हो रहा है. डिजी मीन्स व्हाट, हैविंग एन अनकंफर्टेबल फीलिंग अब स्पिनिंग अराउंड, जो देन ही फ्लैप हिज विंग्स वंस एंड ही सोल्ड आउट, सॉरी अपवर्ड, ऊपर की ओर. फ्लैप हिज विंग्स मतलब फिर से उसने हिम्मत के साथ मिटकर फ्लैप हिज विंग्स अपने पंखों को, वो वर्ड्स, और फिर ऊपर की दिशा में मतलब गा 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 को आ इज मदर करते हुए उसकी ओर जाना, जाने की कोशिश इस प्रकार का आवाज है उनकी भाषा में, मतलब अपने बच्चों का जो साहस है उसको और दा दे रही है ये. हर विंग्स मेकिंग अ लाउडनेस, उसके जो विंग्स है उसके मदर के, वो भी इस प्रकार को आ इस प्रकार आवाज कर रही है एक तो उसने भी अपने माँ को आंसर दिया, ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, दूसरी अपनी चीख या चिल्लाना, या दिस स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चिल्लाना होता है, लेकिन दिस इज द जॉयफुल क्राई, डिलाइटफुल क्राई. ये क्या है, सीगल आल्सो रिपोर्टिंग टू हर मदर अपने सिस्टर उड़ रहे हैं, मिस दे आर कवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. अब इसका मीनिंग जान लीजिए बच्चों, कवेटिंग मिस व्हाट, उछलते हुए, वक्राकार गति से उछलते हुए, कारु मत दिया है, पर यहां पर उसका अर्थ हम कहेंगे कि उछलते हुए एंड बैंकिंग, बैंकिंग मीन्स व्हाट, फ्लाइंग विथ वन बीइंग हायर देन द अदर, मतलब एक पंख ऊपर करना तो दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर करना तो पहला नीचे, इस प्रकार में उड़ रहे हैं. ब्रदर, ब्रदर अपने जो छोटा सा भाई है उसको वो क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं. सो कवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइंग, सोरिंग मीन्स दे आर फ्लाइंग हाई इनटू द स्काई एंड आल्सो दे आर पंख ये जो पक्षी का वो पक्षी है उसी है यंग का चित्र आप फेसबुक में आगे का हम लोग पढ़ते हैं अभी. Then he completely forgot that he had not after gathering courage whenever he and wherever he got success able to fly, कि कभी वो उड़ नहीं पाएगा, ये कभी उसको लगता था उसके मन में, ये बात उसके दिमाग से अब चली गई है. A commanded himself, और खुद को ही कमांड करने लगा है. देखिए
अपने आप को आदेश कर रहा है टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रीली. श्रिंकिंग का अर्थ देख लीजिए, इसमें श्रिंकिंग मीन्स मेकिंग अ लाउड क्राई, मतलब जोर का आवाज निकालते हुए किस तरीके से वो गोता लगा रहा है और खुद को ही आदेश दे रहा है. He was near the sea now. अभी वो ऊपर से high into the sky after soaring means flying high into the sky, ऊंचे आसमाने ऊपर उड़ान भरने के बाद में अभी नीचे 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 आ रहा है समुद्र की ओर, at the level of the sea water, समुद्र की water level पर आ रहा है. अभी देखिए समझा, so was near the sea now, flying straight, बिल्कुल अब सीधा उड़ रहा है वहां पर, flying straight out over the ocean. Means now he is facing to the ocean, उस महासागर को फेस कर रहा है, उसका सामना कर रहा है without fear, बगैर डरे वो सामना कर रहा है. He saw a vast green sea, और अभी देख रहा है beneath him, उसके नीचे विस्तीर्ण फैला हुआ अथांग सागर वो देख रहा है, with a little ridges, ridge means a chain of hills, मतलब कि पर्वत श्रृंखला जिसको बच्चों बोलते हैं, a chain of hills, hills मतलब पर्वत, और chain मतलब कि श्रृंखला, तो उनकी श्रृंखला भी उसके बाजू में, मतलब समुद्र के उस महासागर के बाजू में उसको काटती हुई उसके नजर में आ रही है. मींस लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्नड हिज बीक साइडवेज, और उसे अपनी चोंच को थोड़ा सा बाजू में घुमा दिया, एंड काउड अम्यूज्डली प्लीजरेबली, काउड अम्यूज्डली मतलब ही मेड वॉइस डिलाइटफुली प्लीजरेबली, उसका मीनिंग यहाँ पर दिया है प्लीजरेबली यानी कि डिलाइटफुली, तो एक बहुत खुशी का जो आनंद का जो आवाज है वो आवाज फॉर गिविंग रिस्पॉन्स टू हिज पेरेंट्स ऑल्सो एंड अवर हिज ब्रदर एंड सिस्टर ऑल्सो, अपने माता पिता को और अपने भाई बहनों को बोल रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई मैं भी अभी आपके जैसे सीख गया हूँ. अब लास्ट में क्या होता है, ये लिखते हैं हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सीखने आदमी उसके पेरेंट्स भी उसके आजू बाजू, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव लैंडेड, और लैंडेड मतलब उस जगह पर उतर गए हैं बोथ पेरेंट्स एंड ब्रदर्स also, sisters also, on a great roaring ahead of him, और देख रहा है कि उस चट्टान की पिछली साइड पर, उस प्लेटू पर, उस मैदान पर किस प्रकार हरी भरी वो जगह है. They were beckoning to him. They were beckoning. Beckoning means what? बच्चों beckoning मतलब कि उसको इशारा करेंगे. English में उसका meaning दिया है beckon to give a signal move near or follow. उसको follow करना मतलब हमें फॉलो करो, मतलब हमारे पीछे पीछे आओ, ऐसा इशारा वो करे, बेकनिंग मतलब इशारा कर रहे हैं. मीन्स हु आर बेकनिंग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स आर बेकनिंग, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर कॉलिंग फ्रीली, कॉलिंग डिलाइटफुली, उसको अभी प्यार से डिलाइटफुली खुशी से उसको वो आवाज दे रहे हैं. He dropped his legs, उसने अपने जो पैर है वो निकाल लिए टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और अपने पैरों को उस ग्रीन सी पर उस हरे भरे जो छाया है बाजू के इसकी वहां पर पड़ रही है उस पर, उस उसके पृष्ठभाग पर, उसकी सील फेस पर, सी लेवल पर उसने अपने पैर पहली बार उस पानी को टच किए. मींस ही टच हिज लेग्स अपॉन द वाटर, सी वाटर, बट ही वाज टायर्ड, लेकिन अभी थक चुका था, एंड वीक मतलब कमजोर लग रहा था. Coming out from the leech से बाहर निकलना, going upward and downward, soaring deep, high into the sky, किस प्रकार ऊपर ऊंचे आसमान में गोता लगाना है, जमला है, तो ये बहुत थक चुका था. His feet sank into the green sea. इनके sink का past tense है ये sank, तो
है वो बड़े विस्तीर्ण फैले उस सागर में उस पानी में उसके पैर नीचे डूबने लगे, डूब गए. बेली मतलब की पेट, स्टमक, टच इट मीन्स जैसे उसके पेट को टच हुआ. एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन उसके बाद में फर्दर मतलब अधिक वो डूबा नहीं, मतलब अपने पेट तक डूबा उसके और पूरी बॉडी उसकी डूबी नहीं, पूरा शरीर उसका डूबा नहीं. ही वाज फ्लोटिंग मींस व्हाट नाउ ही इज डूइंग, ही इज नाउ फ्लोटिंग मींस तब वो तैर रहा था. ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट उस पानी पर, उस सी सरफेस पर. सरफेस ऑफ सी आर वाटर, ऊपरी जो परत है वाटर की उससे लेवल की उसके ऊपर वो तैर रहा था. ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके अराउंड में उसके आजू बाजू में उसके माता पिता भी आ रहे हैं. दे आर मेकिंग लाउड, स्क्रीमिंग मींस मेकिंग लाउड नॉइस डिलाइटफुली. दे आल्सो प्राइसिंग हिम, प्राइज मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं, प्राइज मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं. प्राइसिंग हिम एंड देयर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, जो बहुत ही स्वादिष्ट फिश होती है, डेलिशियस फिश होती है जिसका नाम है डॉग फिश. तो डॉग फिश उसको क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं उसको खाने के लिए, उसको वो बुला रहे हैं. दिस वे स्टूडेंट्स हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट इन दिस वे, इन अ डिफिकल्ट वे, बट आफ्टर गैदरिंग करेज टू आर वी केम टू नो हियर दैट हाउ दिस स्मॉल यानी कि यंग सीगल अल्टीमेटली हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. बहुत कठिन तरीके से हुआ, उसको तकलीफें झेलनी पड़ी, लेकिन अंततः ये जो समुद्री चिड़िया है, समुद्री पक्षी है, सीगल है, ये अंततः अपनी पहली उड़ान भरना उसने सीख लिया. तो बच्चों ये जो लेसन है हमें लाइव ओपी ये राइटर दिए, इन्होंने जो लिखा है, इससे हमें जो सीख मिलती है इन each and every difficult thing, in each and every difficult task, what we have to do, हमें क्या करना चाहिए, we should have gather courage, सबसे पहले साहस जुटाओ. Our task is difficult. जब हमारा टास्क डिफिकल्ट होता है फिर भी हम उसमें जरूर सफल होते हैं. तो इस तरीके से ये हमारा लेसन है. आई होप इफ यू हैविंग अगर कोई नहीं तो अभी पूछ सकते हो. सवाल पूछना है तो हाथ उठाओ बेटा, किसी को सवाल पूछना है तो हाथ उठाओ.